आपको धन्यवाद है। आप जानते हैं यहाँ जो कोरोना का दौर शुरू हुआ और बाहर लोग परेशान थे, हम लोगों ने जो कुछ भी मदद की और वहाँ से लोग यहाँ आए, उन लोगों के साथ एक बातचीत भी हम लोगों की हुई और हम लोगों के मन में ये बात आई कि यहाँ के लोग बाहर जाने को मजबूर होते हैं, यहीं इस तरह का कुछ इंतज़ाम किया जाए कि किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े, कोई इच्छा से कहीं जाए वो तो उसका अपना अधिकार है। लेकिन जो भी आप जानते हैं क्वारंटाइन सेंटर पर कितने लोगों को रखा गया था, सब लोगों के साथ एक बातचीत भी हुई और उसके बाद ही हम लोगों ने जो भी हम लोगों की नीति थी औद्योगिक उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ उसमें एक नया उसमें प्रावधान किया और उसके बाद ये भी तय कर दिया कि जो लोग भी बाहर से आएंगे उनको यहाँ काम शुरू करने के लिए मदद की जाएगी। नई पॉलिसी बनाई और कई जगहों पर ये काम किया गया, अन्य जगहों कई जगहों पर लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ काम करें तो ये काम शुरू हुआ और कुछ चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन इस बार जो यहाँ एक सेंटर बना करके कई लोगों को जगह मिली है और जगहों पर लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा तो देखने के लिए हम लोगों की इच्छा थी कि जाकर के देखें किस तरह का काम, आज तो देख लिया अब कितना बढ़िया से काम कर रहे हैं। कोई स्थानीय सिर्फ ज़रूरत को पूरा करने की अब बात नहीं है, सीधे इनका जो कुछ भी काम जो कुछ भी ये बना रहे हैं वो बिहार के बाहर जा रहा है, कई लोग इसको देश के बाहर भी भेज रहे हैं। जिस तरह से कपड़ा वगैरह के काम में जो काम किया है इन लोगों ने, अन्य चीज़ों में भी काम किया तो बहुत अच्छी बात है और जो कुछ भी हम लोगों ने अब पॉलिसी नई बनाई है इसका एक और उसके लिए सारा सब तरह से हम लोग सहयोग करेंगे, मदद करेंगे और अब बहुत लोग विलिंग हैं ये हम लोगों को पता चला है। आज इसको देखना बहुत ज़रूरी था और चीफ सेक्रेटरी भी थे, ये हम लोगों ने पहले ही से कहा है कि जो लोग आ गए उनके काम को देखिए और चूंकि यहाँ पर पश्चिम चंपारण में बहुत ठीक ढंग से इन लोगों ने काम को शुरू कर दिया है तो इसको हम लोग देखने आए हैं तो आज यह भी बताया है कि और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी। तो हम लोगों ने जो पॉलिसी बना दी है, पॉलिसी तो बना दी लेकिन अब उसके बाद उसको व्यावहारिक रूप से, अब जैसे जगह की बात हो तो लोग कोई भी यहाँ काम करना चाहेगा उसके लिए जगह चाहिए तो हम लोगों ने तय किया हुआ है कि नहीं उन लोगों को हम लोग जगह उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए कुछ जगह निर्माण के कार्य के लिए उनका जो कुछ भी काम करेंगे उसके लिए उसको ठीक ढंग से विकसित कर देना है ताकि वहाँ पर काम करना शुरू करें और ये पता चला है कि वो भाड़ा देने को तैयार रहते हैं तो वो तो एक अलग चीज़ है लेकिन इस तरह से बना देने पर लोग यहाँ काम शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आएंगी और बहुत सारा बना हुआ चीज़ बाहर भी जाएगा तो आप समझ लीजिए कि जो लोग बाहर आए हैं वो तो उनको मजबूर नहीं होगा लेकिन बहुत लोग यहाँ काम शुरू करेंगे तो स्थानीय स्तर पर भी जो लोग हैं उनको भी काम करने का मौका मिलेगा। और एक बात जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं एक एक चीज़ के लिए और उसके चलते जो चीज़ तैयार होता है ये उतना महंगा भी नहीं होता है और फिर इसका डिमांड भी सब जगह होता है, लोगों का च्वाइस भी हो जाता है, देखने में भी इतना अच्छा लगता है तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोगों की जो नीति बन गई है वह तो नीति रहेगी और उसको और व्यावहारिक रूप से कैसे और मदद किया जाएगा इसी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसके लिए यहाँ पर तो और विकसित किया ही जाएगा, हम लोगों ने कहा कि जितना स्पेस है सब जगह बना दीजिए और लोगों को रखिए और इसी तरह से हर ज़िले में अन्य जगहों पर भी जहाँ पर भी लोग आएंगे और काम शुरू करेंगे, अभी तो लगभग सभी ज़िलों में कुछ न कुछ लोगों ने काम शुरू करने के लिए इच्छा प्रकट की है, कुछ सहायता भी दी जा रही है तो हर प्रकार से हम लोग सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, कैसे किसी चीज़ को कहाँ पर काम करेंगे नंबर एक चीज़ है, फिर जो कुछ काम बनाया उसको उनको बाहर भेजना है तो उसमें भी एक सहयोग होना चाहिए कि कोई चीज़ बाहर से कोई माल बनाएंगे मंगाएंगे और जो चीज़ बना लेंगे उसको भी बाहर भेजेंगे स्थानीय तौर पर भी और दूसरे तरफ भी तो उसमें भी एक सहयोग मिलना चाहिए। तो इस तरह की सारी बातें आज हो चुकी है, उन सब चीज़ों पर हम लोग और तेज़ी से काम कराएंगे ताकि हम लोगों का मकसद है कि जो रोज़गार का अवसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पैदा हो और आप पहले से जान रहे हैं कि पहले से ही हम लोगों ने कोशिश की थी कि इसमें उद्योग में वृद्धि हो लेकिन उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई, हम लोग जो चाह रहे थे उस तरह का काम नहीं हुआ लेकिन अब हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जब हमारे लोग बाहर काम कर रहे थे अब यहाँ आकर के काम करेंगे तो इस तरह का मतलब छोटे छोटे उद्योग के जरिए
और बहुत लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। और जैसा कि हमने बता दिया कि हम लोगों ने औद्योगिक नीति की तो बात कर ही ली है, और बहुत सारा गुंजाइश है। एक चीज़ तो हम लोग देखने आए, यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा अनेक कई चीज़ें, तो उसका उसके लिए हर जगह लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। और जो नई टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, हम लोगों ने जो अपना इस 5 साल के लिए जो तय किया है कार्यक्रम 7 निश्चय 2, और उसमें जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को ट्रेन करना, जो भी लोग हैं, चाहे वो हम लोगों के ITI में पढ़ रहे हों या पॉलिटेक्निक संस्थान में पढ़ रहे हों, या इसके अलावे मान लीजिए कोई 10वां ही पास है, 12वां पास है, इस जगह पर नहीं कहीं गया है, लेकिन उनके लिए भी ट्रेनिंग की बात जो हम लोगों ने सोची है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उसका काफ़ी एक तरह से समन्वय स्थापित हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो उससे उद्योग का अवसर बढ़ेगा और लोगों के लिए इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा, अवसर बढ़ेगा, रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा लोगों को। तो यही इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से हम लोग आए देखने के लिए कि भाई यहाँ पर कई लोगों ने काम शुरू किया है तो किस तरह से कर रहे हैं, और उन लोगों से भी पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो संतुष्ट थे और उन लोगों को ये लगा कि हम लोगों का काम और बढ़ता जाएगा और किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है, सब तरह का सहयोग मिल रहा है। तो इसी तरह से अन्य जगहों पर भी इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि यहाँ रोजगार बढ़े, नंबर एक, और दूसरी बात उद्योग के क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति। सर, आप बार बार बोलते थे सर कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, साथ कोरोना ने वो मौका दे दिया, और सर लैंडलॉक स्टेट है बिहार, तो आने वाले समय में बड़े इंडस्ट्री की संभावना तो फिलहाल नहीं दिख रही। तो देखिए, जो यहाँ पर सबसे पहले जो इंडस्ट्री की संभावना है, जो लोग आए उसके देखते हुए, और भी जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री की संभावना है, तो उन सब चीज़ों पर तो हम लोग काम करेंगे ही। जब इस पर काम करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर कई प्रकार की इंडस्ट्री आने लगी, तो उसी को प्रोत्साहित हम लोगों को करना है, और हर तरह से हम लोग काम करेंगे ताकि यहाँ पर लोगों को काम का। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।